नमस्कार, मैं सौरभ पन, सहायक अध्यापक एल टी गणित, राजकीय इंटर कॉलेज सत्यम, ब्लॉक लंगोड़ा, जनपद अल्मोड़ा में कार्यरत हूँ। आज हम लोग जो हमारे चैप्टर रोटेशनल मोशन चल रहा है, उसका टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्सिया एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। यानी कि एक जो सॉलिड सिलेंडर है जो प्योर रोलिंग कर रहा है, रोल करते हुए मोशन कर रहा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना होगा और उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा परिचर्चा करेंगे। आइए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्सिया और टोटल काइनेटिक एनर्जी किसकी पढ़ेंगे, एक सॉलिड सिलेंडर की। यहाँ भी कंडीशन वही रहेगी, प्योर रोलिंग होगी, यानी कि स्लिपिंग नहीं होगी, बॉडी ट्रांसलेट करेगी और प्योर रोल करते हुए ट्रांसलेट, उसमें स्लिपिंग या स्लाइडिंग का केस नहीं लिया जाएगा। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि सॉलिड सिलेंडर क्या हुआ। आइए देखिए, ये जो मैंने बनाया है ये नॉर्मली क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर जिसको हिंदी में हम लोग बेलन कहते हैं। अब अगर हम इस बेलन को कट करें या काटें, यहाँ से कहीं काट दें, तो हमें क्या मिलेगा। अगर मैं यहाँ से काट देता हूँ तो मुझे कुछ इस प्रकार का मिलेगा, या और अच्छे रंग से समझो तो एक सिक्के की जैसी आकृति मिलेगी यहाँ पर से। तो ये क्या है, ये डिस्क। यानी कि हम सॉलिड सिलेंडर को किससे बना हुआ मानेंगे, छोटी 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 कई सारी डिस्क से, जिसकी थिकनेस बहुत हल्की सी होगी, नेग्लेजिबल या कम से कम थिकनेस। हालांकि हम उसको जब इसका एमआई निकालेंगे तो नेगलेक्ट नहीं करेंगे, हम उसको लेके चलेंगे, क्योंकि नेगलेक्ट कर देंगे तो फिर सिलेंडर बनेगा कैसे। तो हम जब सिलेंडर को क्या करेंगे, बहुत पतली पतली कुछ मोटाई की डिस्क से मिलकर बना हुआ मानते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। हमारा सिलेंडर कुछ इस प्रकार का हुआ और इसमें क्या होंगी, छोटी छोटी ऐसी कई सारी ये डिस्क होगी। अब इसमें मास डेंसिटी कौन सी होगी, इसमें मास डेंसिटी हो जाएगी रो वाली। तो अगर इस सिलेंडर का टोटल मास m है, क्रॉस सेक्शन की लेंथ r है, और अगर इसकी लेंथ है तो इसका मास क्या और डेंसिटी क्या होगी, मास अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि ये सॉलिड है। तो ये हो जाएगा सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एल। इस कंडीशन के थ्रू हम निकाल लेंगे। अब बिल्कुल इसको देखिए, सिक्के को आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सिक्के में क्या है। ये सिक्का इसमें से अगर हम इसको काटेंगे तो कट करके निकलेगा, बिल्कुल ऐसी आकृति। ये इसकी रेडियस किसके इक्वल होगी, जितनी इस सिलेंडर की रेडियस होगी, और जो ये वाला एरिया है इसको कहेंगे इसकी थिकनेस या डीएक्स। जैसे आप यहाँ देखिए, मैंने एक बनाया है, ये क्या है, मैंने जब इसको कटिंग करी तो इसमें से छोटी छोटी डिस्क बन रही है। तो इस डिस्क की मोटाई क्या होगी, ये मैंने क्या मानी है, dx। अब हम इसका समझते हैं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया हमें किसके अक्रॉस निकालना है। तो जो पहली कंडीशन है वो क्या है, इस वाली एक्सिस के अक्रॉस, ये इसको कहते हैं, इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए निकाल दें तो ये जो होती है, जो सेंटर से जा रही है, इसको कहते हैं इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस। तो ये सिलेंडर दो तरह से रोल कर सकता है, एक तो ये तरीका हो गया, देखिए ऐसे रोल कर रहा है, तो इसकी रोलिंग किसके अक्रॉस है, ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अलोंग। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका एमआई निकालेंगे इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अलोंग, यानी कि कुछ इस प्रकार से। तो ये इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस होगी और ये क्या बना है, कई सारी छोटी छोटी डिस्क से मिलकर बना है। मान लिया थोड़ी देर के लिए किसी भी एक डिस्क का मास हमने डीएम मान लिया, और जो डिस्क की रेडियस होगी वो तो रेडियस वही जो सिलेंडर की होगी उसके इक्वल है। तो पहला जो इसका टॉपिक बना एम आई या मोमेंट ऑफ इनर्सिया अलोंग ज्योमेट्रिकल एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। तो ये बहुत सिंपल है, अगर हम एक डिस्क का देखेंगे तो ये जो एक्सिस है वो क्या है, डिस्क के सेंटर से उसके परपेंडिकुलर जा रही है। कल हमने पढ़ा था ना, डिस्क के सेंटर से जब परपेंडिकुलर एक्सिस जाती, देखिए यहां से समझिए इसको, ये एक्सिस क्या है, ये डिस्क के सेंटर से उसके परपेंडिकुलर जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा, डी एम इंटू आर स्क्वायर बाई टू, और अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा, पूरी की पूरी, पूरे के पूरे सिलेंडर का उसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अलोंग, छोटी छोटी सारी डिस्क के एम आई को हमने जोड़ दिया। तो ये आर स्क्वायर बाई टू तो बाहर आ गया, तो ये डी एम आ गया, तो ये हो गया एम आर स्क्वायर बाई टू। तो ये तो था सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्सिया उसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अलोंग।
आइए अब हम लोग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं इस एक ऐसी एक्सिस के अलोंग जो इसके सेंटर से जा रही है और इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इस तरह से, यानी कि ये किस तरह से मूव कर रहा होगा, कुछ इस तरह से। तो ये जो एक्सिस है, ज्योमेट्रिकल एक्सिस इसकी अलोंग थी, उसके परपेंडिकुलर है, यहाँ निकालना और सेंटर से जा रही है। तो अब इसको देखते हैं कि कैसे निकलेगा। तो इसकी प्रोसेस समझते हैं पहले। ये सेंटर से गई, ये आपकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस थी। तो सपोज सिलेंडर की लेंथ अगर एल मान लें तो ये तो सेंटर हो गया, आधा पोर्शन इधर को एल बाई टू, आधा पोर्शन एल बाई टू इधर को हो गया। फिर हमने देखिए क्या कर रखा, यहाँ पर एक छोटी सी डिस्क मानी है जिसकी सेंटर से डिस्टेंस है, या जिसको कहेंगे रोटेशनल एक्सिस से डिस्टेंस एक्स, और उसकी थिकनेस है डी एक्स। तो वो कुछ इस प्रकार की बनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डिस्क का मास कैलकुलेट कर लेंगे, और मान लिया इसकी मास डेंसिटी कितनी है, रो हो गई। तो जो हमारा डीएम होगा वो कितना हो जाएगा, रो मास डेंसिटी, और इस डिस्क का हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो सपोज कीजिए अब डिस्क की जो रेडियस होगी वो तो वही होगी जो सिलेंडर की है, तो 2πr, और इसकी थिकनेस को हमने क्या माना है, dx। तो 2πr की जगह क्या आएगा, πr², क्योंकि डिस्क का एरिया होगा। अगर रिंग होती तो 2πr होता, मीन्स अगर ये हॉलो सिलेंडर होता तो क्या होता, 2πr (dx). अब चूंकि ये सॉलिड सिलेंडर है तो इसमें क्या आ जाएगा, πr² (dx). अब इसमें दो चीजें आएंगी, इसको ऐसे समझते हैं कि एक तो जो ये यहाँ पर डिस्क बनी है, इस डिस्क का अब देखें अगर इसको समझते हुए, तो ये डिस्क, ये एक्सेस जो है इस डिस्क की डायमीटर के बिल्कुल कैसी है, पैरेलल। तो पहले तो यहाँ पे जब निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा कि इस डिस्क का एमआई निकालेंगे पहले इसकी डायमीटर के अलोंग, फिर पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगा के उसको इस सेंटर से जाने वाली एक्सेस के अलोंग निकाला जाएगा। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये जो टोटल आई होगा आपकी बात, पहले हम सिर्फ डिस्क का समझें, तो ये डिस्क का होगा dm(r²/4), डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके डायमीटर के अलाउ, इस तरह से यूं करके। फिर ये इसके पैरेलल है तो डिस्टेंस हमने कितनी मानी है, एक्स, इसको भी एक्स मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा dm(x²). अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये इंटीग्रेशन की लिमिट देखेंगे, ये तो सिंपल है, यहाँ तो सब कांस्टेंट है, r²/4, और dm का इंटीग्रेशन करा तो कैपिटल m, या जिसे कहें अगर हम सिलेंडर के मास को m मान रखा जैसे हमने, तो ये m आ जाएगा। अब यहाँ की जो मेन चीज़ है वो इधर है कि इधर पे जो इंटीग्रेशन है उसकी लिमिट क्या लगेगी। अब समझते हैं कैसे। देखिए ये दो तरह से इसका जो रोटेशन हो रहा कुछ इस प्रकार से हो रहा है, आधा पोर्शन इधर आधा इधर, ये x एक्सिस के अलोंग है तो ये माइनस x के अलोंग हो गया, एक तरह से ऐसे समझ लें। तो लिमिट क्या लगी, माइनस l/2 से प्लस l/2, क्योंकि ये दो पोर्शन हाफ हाफ हो गए। अब क्या होगा, ये तो ऐसे उतर जाएगा mr²/4, और ये जो dm है इसकी पहले वैल्यू रखेंगे, तो dm की वैल्यू आ गई rho(πr²/dx)(x²). आइए इसको सॉल्व करें, तो rho(πr²) तो बाहर आ गया, माइनस l/2 से प्लस l/2 x²/dx। अब जरा इसकी प्रोसेस देखें, ये कैसा फंक्शन है, x², इवन फंक्शन है, क्योंकि अगर x की जगह माइनस x रखें तो ये प्लस x ही आता है। तो इसका जब इंटीग्रेशन हम करेंगे तो ये हो जाएगा rho(πr²) हम क्या कर देंगे 2, और जो लिमिट माइनस ए से ए थी वो क्या बन जाएगी 0 to ए टाइप वाली जो फॉर्म होती है इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी उसमें कन्वर्ट होगी। तो ये बन गया mr²/4 2rho(πr²), और इसका इंटीग्रेशन आ गया x³/3 0 to l/2। इसको और सॉल्व करते हैं तो ये आता है i = mr²/4 2rho(πr²), और इसकी जगह l/2 रखेंगे तो ये l³/2^4^8, और ये 3, तो ये आ गया 4। अब हम इस रो की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। अब रो की वैल्यू क्या आएगी, रो इक्वल बन जाएगा मास अपॉन पाई
आर स्क्वायर एल, तो रो की जगह इतना आउटपुट कर देंगे मास डेंसिटी वाली प्रॉपर्टी लगा के, तो ये बन गया एम अपॉन रो की जगह रख दिया पाई आर स्क्वायर एल इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल क्यूब अपॉन फोर्थ थ्री या ट्वेल्व, तो इससे ये कट गया आर स्क्वायर कट गया, एल से इसकी एक पावर कैंसिल, तो क्या बचा एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व, तो इसका एम आई आ गया आई बराबर एम को कॉमन ले लें आर स्क्वायर बाई फोर एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व, तो ये आ गया सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सेस के अलोंग। अब हम इस सिलेंडर की निकालेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी जब ये रोल करते हुए आगे को जाएगा। इस तरह के एग्जांपल आपने कई जगह देखा होगा, जैसे रोलर होता है जिससे डामर करते हैं सड़कों में, उसका पहिया भी एक तरह का सिलेंडर होता है, वो ऐसे रोल करते हुए जाते हैं, तो कंडीशन फिर वही है, रोल करेगा प्योर स्लिप नहीं करेगा, मतलब ऐसे जाएगा ऐसे झटका नहीं होगा, लगातार रोल करते हुए वो आगे को जाएगा। तो जब वो जाएगा तो उसका जो रोटेशन है वो किस एक्सिस के अलोंग होगा। अच्छा अगर हम इसको लेके चलें, देखिए ऐसे तो कभी वो ऐसे तो सिलेंडर कभी रोल करते हुए आगे को जाता नहीं है, तो इस एक्सिस के अलोंग तो रोलिंग हो नहीं सकती है। अब जब वो जाएगा कुछ इसी प्रकार जाता है आगे को, तो आप देख लीजिए किसके अलोंग रोलिंग है उसकी, ऐसे जाता ना आगे पे, ये ऐसे समझ लें इसको अगर हम, ये तो ये किसके अलोंग हो रही है ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अलोंग। तो अब हम इसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे के टी ट्रांसलेशन प्लस रोलिंग, तो वही ले लेते हैं, मान लिया उसका मास वी है एम है, वेलोसिटी वी और उसकी रेडियस आर मान ली, तो के टी तो सिंपल हो गया हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब रोलिंग किसके अलोंग है, रोलिंग ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अलोंग है, और ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है एम आर स्क्वायर बाई टू, तो ये बन जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर बाई टू, ओमेगा की जगह वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये सब कैंसिल, तो वन बाई टू एम वी स्क्वायर प्लस वन बाई फोर एम वी स्क्वायर, इसको सॉल्व कर ले तो ये टू एम वी स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर, या टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी थ्री अपॉन फोर एम वी स्क्वायर। तो जब एक सिलेंडर प्योर रोलिंग करेगा तो उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, थ्री अपॉन फोर एम वी स्क्वायर। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको सॉलिड सिलेंडर का एम आई और इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालने की कंसेप्ट समझ में आई होगी। धन्यवाद।